नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के बारे में। अगर आप UPSC या स्टेट PCS या SSC CGL या SSC या रेलवे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करके यह UPSC में 2011 से 2013 के बीच पूछे गए काफ़ी प्रश्नों को मैंने इसमें शामिल किया है। इसके अलावा SSC में पूछे गए प्रश्न को भी मैंने शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपका कितना सही रहा। चलिए शुरू करते हैं। आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकारें ही लगा सकती है? पहला में राजस्व कर, दूसरा में आयात निर्यात कर, तीसरा में आय कर, चौथा में संपत्ति कर। समय शुरू होता है अब। नंबर 10, नंबर 9, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2। इसका आंसर होगा एक, राजस्व कर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा उद्योग पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? नंबर 1 अभियांत्रिकी, नंबर 2 कागज एवं लुगदी, नंबर 3 वस्त्र उद्योग, नंबर 4 ताप शक्ति उद्योग। समय शुरू होता है अब। नंबर 10, नंबर 9, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2। इसका आंसर 4 होगा, ताप शक्ति उद्योग। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीन नंबर प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किसकी कृषि तथा सहबद्ध गतिविधियों में ऋण के वितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? नंबर 1 वाणिज्यिक बैंकों की, नंबर 2 सहकारी बैंकों की, नंबर 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की, नंबर 4 सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की। समय शुरू होता है अब। नंबर 9, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2। इसका आंसर 1 होगा, वाणिज्यिक बैंकों की। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक कच्चा इस्पात का उत्पादन कौन करता है? नंबर 1 चाइना, नंबर 2 जापान, नंबर 3 रूस, नंबर 4 USA। समय शुरू होता है अब। नंबर 10, नंबर 9, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2। इसका आंसर होगा 1, चीन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न, नायक समिति का संबंध किससे है? नंबर 1 कुटीर उद्योग से, नंबर 2 लघु उद्योग से, नंबर 3 भारी उद्योग से, नंबर 4 इन सभी से। समय शुरू होता है अब। नंबर 10, नंबर 9, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2। इसका आंसर 2 होगा, लघु उद्योग से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न, भारत में मुद्रास्फीति यानी महंगाई की माप किस आधार पर होती है? नंबर 1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर, नंबर 2 थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर, नंबर 3 श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागत सूचकांक के आधार पर, नंबर 4 उपरोक्त सभी। समय शुरू होता है अब। नंबर 10, नंबर 9, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2। इसका आंसर होगा 1, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न, भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋण दान से तात्पर्य किसको ऋण देने से है? नंबर 1 कृषि, नंबर 2 लघु एवं छोटे उद्यम, नंबर 3 दुर्बल वर्ग, नंबर 4 ये सभी। समय शुरू होता है अब। नंबर 10, नंबर 9, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2। इसका आंसर होगा ये सभी।
यानी कृषि, लघु एवं छोटे उद्योग भी और दुर्लभ वर्ग यानी सभी के सभी होंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? नंबर 1 चौथी पंचवर्षीय योजना, नंबर 2 पांचवीं पंचवर्षीय योजना, नंबर 3 छठी पंचवर्षीय योजना, नंबर 4 आठवीं पंचवर्षीय योजना। समय शुरू होता है अब। नंबर 10, नंबर 9, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2। इसका आंसर 3 होगा, छठी पंचवर्षीय योजना से। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न, जीरो बेस बजट के प्रतिपादक कौन है? नंबर 1 एमजे मल्होत्रा, नंबर 2 डॉक्टर मनमोहन सिंह, नंबर 3 पीटर ए पॉपर, नंबर 4 एल ए कार्ल। समय शुरू होता है अब। नंबर 10, नंबर 9, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2। इसका आंसर 3 होगा, पीटर ए पॉपर। आइए 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न, आरबीआई ने घरेलू म्यूचुअल फंडों के लिए विदेशों में निवेश की सीमा के विस्तार के लिए अनुमति कब प्रदान की? नंबर 1 2005 में, नंबर 2 2006 में, नंबर 3 2007 में, नंबर 4 2008 में। समय शुरू होता है अब। नंबर 10, नंबर 9, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2। इसका आंसर 4 होगा, 2008 में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।